ग्रेट इंडियन फैमिली देखा जाए तो थिएटर पे लगी है और जाने जान मूवी जो करीना कपूर खान का OTT डेब्यू भी है वो हमको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। पर क्या ये मूवी सही जगह पर है दोनों? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि द ग्रेट इंडियन फैमिली मूवी का बज इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसके मेकर्स भी नहीं चाहते कि उसका बज हो। बट उसकी स्टोरी भी थोड़ी ठीक ठाक ही है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, वो थिएटर पे लगी हुई है। और दूसरी तरफ जाने जान मूवी जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, जो एक जैपनीज नॉवल पर बेस है, मूवी की स्टोरी एक सिंगल मदर पे है, कैसे एक मर्डर के चक्कर में वो फंस जाती है और कैसे वो उससे बच निकलती है, ये मूवी उसी पर फोकस करती है। देखा जाए तो सिर्फ करीना कपूर खान की नहीं, जयदेव अहलावत की भी है। उन्होंने सुपर परफॉर्मेंस दी है इस मूवी के अंदर। उनका पोकर फेस बता ही नहीं सकता कि वो ऐसा काम भी कर सकते हैं, और कैसे वो करीना कपूर खान को बचाते हैं और क्यों बचाते हैं ये आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। मूवी को देखते टाइम जैसे आपको दृश्यम देखने पर लगा था, वैसे ही इस मूवी को भी देखने पर आपको लगेगा। मेरे हिसाब से ये मूवी थिएटर पर रिलीज होनी चाहिए थी। इस मूवी की स्टोरी बहुत बढ़िया है, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, और एक्टिंग की बात करें तो सबने अपनी जान झोंक दी है इस मूवी के अंदर। तो अगर आपको एक अच्छी मूवी देखनी है इस वीक, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जाने जान देखें घर बैठ कर ही। थिएटर पे अगर आप जाना चाहो तो द ग्रेट इंडियन फैमिली मूवी अच्छी तो है, बट आपको कुछ ज्यादा खास लगे ना लगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इस मूवी के अंदर हिंदू और मुसलमान के बारे में बताया गया है, तो ऐसा हो सकता था कि इसके ऊपर कोई विवाद हो, इसलिए मेकर्स नहीं चाहते थे इसके ऊपर कोई भी विवाद हो, तो उन्होंने इसके कोई भी मार्केटिंग नहीं करी है, बिल्कुल भी नहीं। जीरो मार्केटिंग के साथ ये मूवी उन्होंने रिलीज कर दी है थिएटर पर।